नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बेगूसराय के मंडल कार्यालय में भागलपुर आयुक्त तथा बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी योगेंद्र कुमार ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कई खामियों को पाई गई तथा कई प्रकार के टास्क दिए गए। सुनिए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने क्या कहे। आज ये कमिश्नर मुकेश सर के द्वारा यहाँ पे बेगूसराय का कारा का निरीक्षण किया गया और बहुत विस्तार से उसका निरीक्षण हुआ। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के जो जो आवश्यकता है उसके बारे में भी सर ने निर्देश दिया। उसमें भी हमने पॉइंट कंट्रोल किया और विभाग से इसमें ग्रोथ किया जाएगा। जैसे वॉच टावर की आवश्यकता था यहाँ पर और जो फेंसिंग लगा है उसको इलेक्ट्रीफाई करने का, इसके अलावा महिला बंदियों के लिए भी एक्स्ट्रा वार्ड बनाने का सर का सुझाव था, जिसको विभाग को दिया जाएगा सर के स्तर से भी। इसके अलावा साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया, किचन का भी देखा गया, संतोषजनक पाया गया उसमें। और साथ ही साथ कार्यालय संचालित कराने के लिए जेल के संचालन के संबंध में विस्तार से सभी पंजीयों का, सभी संचिताओं का निरीक्षण किया गया और उसके संबंध में बहुत सारे निर्देश भी दिए गए। कुछ एक पंजीयों का संधारण अभी ठीक से नहीं हो रहा था, उसके संबंध में अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि उसका संधारण करवा लें। और साथ ही साथ शिकायत पेटिका और बंदियों के साथ दरबार लगाने के संबंध में भी शिक्षक के द्वारा आश्वस्त किया गया है। ज़्यादातर चीज़ें संतोषजनक पाई गई, लेकिन एक कुछ एक कमियाँ थी जो हर बिंदु पर उसको अधीक्षक अपना उसको अनुपालित करवा के अनुपालन के लिए वार्डों का भी निरीक्षण किया गया। किसका? वार्डों का भी, हाँ, जो अंदर वार्ड हैं उसका भी टीम बना के उसमें निरीक्षण किया गया, सभी सिपाहियों के द्वारा भी और द्वारा भी उसमें निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो अंदर हॉस्पिटल है उसमें भी निरीक्षण किया गया, जो बंदी एडमिटेड थे विस्तार से सर के द्वारा चेक किया गया कि किसी को अनावश्यक रूप से तो नहीं रखा गया है। और साफ सफाई की स्थिति ओवरऑल जेल की ठीक पाई गई और कुछ कमियां हैं उसका अनुपालन जेल में चल रहा है। ठीक है।